तो नमस्कार, मैं अनिल बंसल, योग व प्राकृति चिकित्सक, आपका स्वागत करता हूँ इस स्वास्थ्य संजीवनी में, जो आपका प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं शुक्रिया करता हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब प्रोग्राम देख कर बहुत पेशेंटों के फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं जी मेरी बाइट नहीं दिखाई, आपने इंटरव्यू तो लिया था, मेरी बाइट नहीं दिखाई, आपने इंटरव्यू लिया था, इनकी दिखा दी। तो अब हम कोशिश करेंगे कि हर एक की बाइट एक एक दिन दिखाते चले जाएं, और कोशिश करूँगा 3-4 आदमियों से आपको मिलवाता रहूँ। कई बार क्या होता है, ये लोगों का प्यार ही होता है, और प्यार में आदमी फिर क्या हो जाता है आप समझ सकते हो, क्योंकि पेशेंट आता है हमारे से, बस उसका इतना प्यार होता है वो आँखों में दिख जाता है, और हम भी कोशिश करते हैं कि ये पेशेंट हमारा बहुत जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि वो बहुत आस लेकर आता है। और कई बार कहते हैं जी आप नहीं मिलते, तो दोस्तों क्योंकि इधर से उधर रहना पड़ता है, शिविर भी बहुत होते हैं तो आना जाना पड़ जाता है, लेकिन जब भी मैं कोशिश करता हूँ आपसे मिलता हूँ। हमारा मेन मकसद है, सबसे जो बड़ी बीमारी है वो आर्थिक परेशानी, वो कैसे दूर हो। अब मैं बहुत दिन से ये इसी चक्कर में लगा रहता हूँ कि भाई इसकी आर्थिक परेशानी है। अब कल भी हमारे पास संडे था तो बहुत से पेशेंट आए, वो बताते हैं कि भाई मैंने दिया लगा, ये लाभ मिला, ये लगा, तो कह रहे जी आप मेरा इंटरव्यू ले लो, मानिए अब दवाई लेकर जाओगे ना, एक महीने के बाद मैं आपका फिर इंटरव्यू लूँगा कि क्या लाभ मिला नहीं मिला। पहले अब एक पेशेंट से मिलाता हूँ, क्योंकि फिर कई बार टाइम बीत जाता है, ये पेशेंट क्या कह रहा है एक बार सुने, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ये इनका अपना निजी मत है दोस्तों, मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ, और आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, और दवाइयों को डॉक्टर की सलाह से ही लें। कोई भी अगर आप उपाय करते हो तो डॉक्टरों से एक बार ज़रूर पूछ लें, एक बार मिले इनसे, ये क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका जी? सर मेरा नाम प्रेम सिंह है सर। कहाँ रहते हो प्रेम सिंह जी? गांव पिपली खेड़ा, तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत। अच्छा, क्या तकलीफ रहती थी, किसको तकलीफ थी जी? मेरी मैडम को तकलीफ थी, मेरी घरवाली को, जो बढ़िया है आपकी दवाई से बहुत सारा शुगर थी बहुत ज्यादा जी। कितनी रहती थी शुगर आपको? लड़की होगी जी, बेटी हूं जी। अच्छा, क्या कितनी शुगर रहती थी उनकी? उनकी 350-400 के आसपास रहती थी। ज्यादा भी हो जाती थी? ज्यादा भी हो जाती थी। हाँ जी। अब यहाँ पे से वैदिक उपचार कब से करवा रहे हो? वो 6 महीने के आसपास हो गया। आपकी दवाई ने बहुत अच्छा है, आपके इलाज ने बहुत ही बढ़िया बेहतर बनाया उनको। अच्छा जी, अभी दौड़ती भी है, घूमती भी है, काम भी करती है। नहीं जी, वो तो पैर हाथ रख के ऐसे उठती थी, ऐसे हाथ रख के जमीन में ऐसे उठती थी। अच्छा जी। बाथरूम करती थी जब धरती में हाथ करके जब खड़ी होती थी। अच्छा। और अब ऐसे उठती है और घूमती है खूब बढ़िया। अच्छा जी। और चारा भी लाती है। आपकी दवाई जो आपने डायग्नोज करा उससे बहुत अच्छा आराम है उनको। 190 हमारे तो डिब्बों की ढेर लग रही है आपकी, जो आपने भेजी है दवाइयाँ वगैरह। मैं कोरियर से मंगवाती हूँ। कोरियर लाती है? आपका पहली बार आया? हाँ जी। तो वैदिक उपचार के बारे में आप क्या कहना चाहोगी? मैं तो ये कहना चाहती हूँ जी, मेरी मम्मी का आराम होगा, मेरे पापा के भी आराम हो जाएगा जी, मैं इसी विश्वास के साथ लेके आई हूँ मेरे पापा। आम आदमी को क्या कहना चाहोगी? मैं कहना चाहती हूँ जी, जो परेशान हो रहे हैं एलोपैथिक दवाई लेते लेते, उनको वैदिक उपचार जरूर रहना चाहिए, ये दवाई जरूर लेनी चाहिए। उनका तो साइड इफेक्ट भी होता है जी, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता जी, और ये बहुत बहुत अच्छा है जीवन में, इसको जरूर एक बार जरूर अपनाना चाहिए और जरूर लेना चाहिए जी। आप क्या कहोगे सर? मैं तो बहुत बढ़िया कहूँगा जी, मैं तो इस खुशी में आपके पास दवाई लेने के लिए आया, मैं परेशान बहुत था। अच्छा जी। तो फिर आपका नाम सुना और देखा, और मेरी पत्नी को आराम हुआ आपकी दवाइयों से, तो मुझे बड़ी अच्छी बढ़िया महसूस हुआ, और इसीलिए मैं आपके पास आया, और आपकी प्रचार भी करूँगा जितना मेरे से उसके। देखो दोस्तों, अभी हरियाणा से आए थे, 6 महीने से हमारा इलाज करा रहे थे, जो लेडीज उठ बैठ नहीं सकती थी, मतलब बाथरूम भी करने में उठने बैठने में इतनी परेशानी होती थी, उसको सोच भी नहीं सकते। और मैं कभी मिला भी नहीं इनसे, मतलब कभी मिला नहीं था 6 महीने से, ये बाई चांस आए हुए थे, मैं भी सेंटर पर गया हुआ था, मैंने पूछा भाई क्या पोजीशन है, ये बाप के सामने थी, इनकी लड़की भी थी, ये अब अपना इलाज कराने आए थे।
वही विश्वास मैंने क्या कहा था, इनका ये प्यार ही था भाई। जो इनकी मिसिज थी यानी पत्नी थी, अब छः महीने से अब वो चल फिरती है, खा मतलब घूमती है फिरती है, अब इससे बड़ी खुशी हमें भी क्या होगी दोस्तों। और ये इनका देख लो निजी मत था, और मैं आपको वही स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ। तो मैं कहता हूँ जो डायबिटीज़ आपकी बढ़ी रहती है, ये कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है दोस्तों, वाक्य में नहीं है बड़ा रोग है। जब तक आप ताकत की दवाई नहीं खाओगे, ताकत नहीं आएगी तो डायबिटीज़ नहीं आती है, डायबिटीज़ फिर और तेज़ हो जाती है, खड़ा होना उठना बैठना भी परेशान हो जाते हो आप, सारी नसें धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं। अब डायबिटीज़ की दवाई जो खाते हो उससे बीटा सेल कमज़ोर हो जाते हैं, ये उस डॉक्टर से भी पूछो जिससे आप दवाई ले रहे हो। पैथी कोई भी ख़राब नहीं होती, एलोपैथी भी अच्छी है, आयुर्वेदिक भी अच्छी है, होम्योपैथी भी अच्छी है। जो फिर पैथी आपको नुकसान करने लग जाए उसको थोड़े दिन कम कर दो, दूसरी को भी अपना लो। अब छः महीने से देखो दवाई ले रहे थे, हम ये कहते हैं किसी को कम या किसी को ज़्यादा लाभ मिलता है इसलिए हम कहते हैं। अब छः महीने से दवाई ले रहे थे, अब डायबिटीज़ खाना खाने के बाद ही कंट्रोल आती है। और सबसे बड़ी खासियत क्या हुई, जो उठ बैठ नहीं पाती थी, चल फिर नहीं पाती थी, अपना पूरा काम कर लेती हैं, खूब घूमती हैं फिरती हैं। छः महीने का टाइम कम तो होता नहीं है दोस्तों। अभी अपने फादर की मतलब दवाई खुद की भी लेने आए थे, अब आपके सामने है। वही मैं कहता हूँ डायबिटीज़ का रोग कोई बहुत बड़ा नहीं है, अगर आपको डायबिटीज़ है या आपके परिवार में किसी को है तो देर ना करें, बस एक बार डॉक्टरों से आयुर्वेद से सलाह लें और इसका एक बार कोर्स मंगाएं और लग के करें 3 महीने में। और जो हमें करेला 3-4 टमाटर पालक के पत्ते मेथी के पत्ते और ये पत्ते बताते हैं, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि करेले में भी इंसुलिन है, टमाटर में भी इंसुलिन है। जब ये दोनों इंसुलिन आपके शरीर के अंदर जाने लग जाती है, बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट डालती है। और जो एक एक हम उपाय बताते हैं वो बहुत इफेक्ट डालता है आपके शरीर पर दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ देर ना करें, अपने रोग को बढ़ने ना दें, फिर रोग बढ़ गया तो बहुत परेशानी आती है। तो अब नाम ही देखो शुगर हो गया, सू और गर, ये गैर है, इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लोगे तो अच्छा रहे दोस्तों, ना तो बहुत परेशानी देता, बहुत परेशानी देता है। डायबिटीज़ में शरीर खोखला हो जाता है, दिमाग की तरह के अंग कमज़ोर पड़ जाता है, आँखों की रोशनी चली जाती है, न्यूरोपैथी हो जाती है, लीवर में गड़बड़ी आ जाती है, हार्ट में गड़बड़ी आ जाती है, एक से रोग ऐसा आ जाता है पूछो मत। और सबसे बड़ा होता है इंसुलिन, इंसुलिन लेनी पड़ती है। अब ना मिले तो क्या हाल है, इब आपने देख लो एक रिपोर्ट भी चल रही है, इंसुलिन नहीं मिली मेरे को, तो क्या हालत हो जाती है, धीरे धीरे आदमी तड़पने लग जाता है। आप इंसुलिन तक जाओ ही नहीं दोस्तों, हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि इलाज कराते कराते भी लोग बाग इंसुलिन पर चले जाते हैं, इसलिए मैं उनको सलाह देता हूँ वक्त रहते आप इलाज कराएं। अब एक दूसरे पेशेंट से मिलवाता हूँ, ये क्या कह रहे हैं एक बार सुने इनसे भी। क्या नाम आपका? हाँ जी, मेरा नाम रूपा है। कहाँ रहते हो रूपा जी? जी हाँ, दिल्ली में टैगोर गार्डन। टैगोर, क्या तकलीफ रहती थी आपको? हाँ जी, पहले मुझे शुगर रहती थी। कितनी रहती थी? हाँ जी, 300-350 कभी 400 भी पहुँच जाती थी। अच्छा, वैदिक उपचार कब से ले रही हो? वैदिक उपचार जी मैं 7 फरवरी से ले रही हूँ। मतलब 2 महीने हो गए ना? हाँ जी हाँ जी। तो कितना फर्क पड़ा? तो मेरे को शुगर में तो बहुत ही ज्यादा आराम है, अब तो खाना खाने के बाद भी 152 आ जाती है। अच्छा, कभी उससे भी नीचे हो जाती है कि दिल भी घबराने लग जाता है, इतनी कम हो जाती है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। एनर्जी कितनी आई आपके शरीर में? हाँ जी, पहले से तो बहुत ज्यादा सही है एनर्जी में, नहीं तो पहले बिल्कुल ही शरीर ऐसे हो गए थे जैसे बस खड़े होंगे तो गिर जाएंगे। नहीं जी, बॉडी में दर्द नहीं है, आप तो सिर्फ अपने हाथों के दर्द की दवा लेने आई हूँ। हाँ जी, तो वैदिक उपचार के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वैदिक उपचार तो जी मैं कई सालों से देख रही हूँ, लेकिन मैंने कुछ अपने ऊपर तो पहले किया नहीं था कोई भी एक्सपेरिमेंट, लेकिन अब जो मैं कर रही हूँ तो बहुत अच्छा। और मेरी माता जी को हार्ट की प्रॉब्लम थी जो कि एंजियोग्राफी हुई थी, यहाँ से आई है तो बिल्कुल बस खत्म होने वाली ऐसी हालत हो गई थी उनकी, लेकिन यहाँ पे आने से वो इतनी अच्छी है कि बस लोग सब अब आपसे मिलना चाह रही है। अच्छा, हार्ट की तकलीफ? हाँ जी हाँ जी, इतनी आई उनको, बहुत ज्यादा आराम है। अच्छा जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। उनकी एज 75 साल से होगी। अच्छा, 75 साल की उम्र, इतना पड़ गया। हाँ जी, चलो बहुत अच्छा। देखो दोस्तों, अब इनकी तो डायबिटीज में कितना आराम पड़े अब आपके सामने है,
और मैं वही कहूँगा, ये इनका अपना निजी मत था दोस्तों। और इनकी माँ जो हार्ट की थी, एंजियोग्राफी कर ली थी डॉक्टरों ने, मतलब हालत बहुत बुरी हो गई थी। वो तो वैदिक उपचार माँ इलाज कराया, देख लो अब वो सामने क्या कह रही है, क्यों कह रही थी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, चलो जब कभी होगी तो मुलाकात में तो करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे आपको माइग्रेन दर्द हो, चाहे जोड़ों में दर्द हो, चाहे कंधों में दर्द हो, चाहे सर्वाइकल हो, चाहे स्लिप डिस हो, रोग कोई भी बड़ा नहीं होता, बस हम उसको बड़ा कर लेते हैं। और जिनको अस्थमे की बीमारी है, जो इनहेलर ले रहे हैं, पंप ले रहे हैं, जो लो लेते हैं, क्योंकि उसमें स्ट्राइड होती है और वो आपको खोखला करती चली जाती है। तो अगर आपको मैं कह रहा हूँ, जिनको अस्थमे के रोगी हैं, एक बार 2 या 3 महीने वैदिक उपचार में इलाज करा कर तो देखें, आपकी कब स्ट्राइड छूट गई आपको पता ही नहीं चलेगा। जो इनहेलर पंप लेना पड़ता है आपको, शायद ना लेना पड़े, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा इलाज है अस्थमे का, तो बहुत ही अच्छा इलाज है। क्योंकि अस्थमा कहते हैं कि ये जो दमा है मरते दम तक नहीं जाता, लेकिन ये भ्रांति है, गलत है। 2 या 3 महीने में आप देखोगे जो स्ट्राइड आप ले रहे थे, इनर ले रहे थे, जो पंप ले रहे थे, ये कैसे छूटने लग जाता है। और उसके लिए वैसे ही बता दूँ, पीपल के पत्ते पानी में उबाल कर उसका वो पिए, या पीपल के पत्तों का जूस निकाल कर आप पिए, उसमें आधा कप गर्म पानी डाल दें उबलता हुआ, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और गौमुख आसन में बैठ कर आसन करें, उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और मैं कह रहा हूँ डायबिटीज वाले तो आपने सुन लिया, कितनी 450-450 तक डायबिटीज चली जाती, कमजोरी आ गई थी, हालत बुरी हो गई थी, अब आपके सामने था दोस्तों। हमारा ये प्रोग्राम करने का भी मकसद आपको एक बार सलाह दे दें, मानना ना मानना आपका काम है दोस्तों, और मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि 1-2 महीने में ही बहुत अच्छा इफेक्ट आने लग जाता है जब आप करते हैं। अब एक और पेशेंट से आप मिलवाता हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर सब पेशेंटों से मिलवाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आज एक और पेशेंट से मिलवाता हूँ, ये क्या कहते हैं एक बार सुने। और ये भी इनका अपना निजी मत है दोस्तों। क्या नाम आपका? नीना। कहाँ रहते हो मीना जी? दिलशाद गार्डन। क्या तकलीफ थी आपको? शुगर थी है। तो आराम है उसमें भी। कितने दिन से वैदिक उपचार कर रहे हो? 6 महीने हो गए। शुगर अब नॉर्मल आ रही है ना? हाँ, पहले तो बहुत बड़ी रहती थी, बड़ी रहती थी। अच्छा, और क्या वैदिक उपचार से लाभ मिला? जैसे हम कहते हैं आरती मां जी सारा दिन परेशानियां। हाँ नहीं, सब ठीक है। और दिया लगाया बेटी ने। अच्छा, शादी हो गई उसकी उसी बीच में। शादी नहीं हो रही थी उसकी? हाँ शादी नहीं हो रही थी। अच्छा जी, 31.5 साल की हो गई थी। अच्छा अच्छा, तो वो बीच में ही रिश्ता हो गया उसका और शादी भी हो गई उसके बाद। अच्छी शादी हुई? हाँ अच्छी शादी हो गई। दोस्तों अब आपके सामने है ये पेशेंट, डायबिटीज बढ़ी रहती, 6 महीने से वैदिक उपचार का इलाज करा रही थी। 6 महीने में अब आपके सामने है। और जो सबसे बड़ी परेशानी थी, जो मानसिक परेशानी आर्थिक थी, बेटी की शादी नहीं हो रही, जब ना हो तो क्या हाल होता। वो जो यम का दिया इन्होंने लगा, देख लो उसी में लगाते लगाते बीच में शादी होगी। मैं कहता हूँ इसका इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त पड़ता है, एक बार आप लगा कर तो देखें। अगर आपको आर्थिक परेशानी है तो मैं तो कह रहा हूँ ज़रूर लगाएं, या कोई मानसिक परेशानी है तब भी लगाएं, और शारीरिक हो तो लगाएं। क्योंकि मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सबसे बड़ी जो बीमारी है वो आर्थिक परेशानी है। और हमारी इलाज कराते कराते पैसा बढ़ना चाहिए ना कि घटना चाहिए, मेरा तो ये मानना है दोस्तों। अगर आप उपाय करोगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है दोस्तों। हो सकता है किसी का कम या ज़्यादा बढ़े। अब एक पेशेंट से और मिलवाता हूँ, क्योंकि फिर टाइम बीत जाएगा, फिर वो कहेगा यार मेरा तो दिखाया ही नहीं आज, क्योंकि मैंने उनसे भी वादा किया था कि आपको भी मिलवाऊंगा मैं। एक बार सुने वो भी क्या कह रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा हरजीत कौर। कहाँ रहती हैं हरजीत जी? तिलक नगर। क्या तकलीफ थी आपको पहले? मुझे शुगर की थी और पानी की शिकायत थी, यानी सफेद पानी आता था ना, हर रोज वीकनेस और चक्कर बहुत आते थे। चक्कर बहुत आते थे? हाँ जी। वैदिक उपचार इलाज कराते कितने दिन हो गया? 1 महीना हो गया मुझे आराम से। 1 महीने में चक्कर आ रहे हैं? नहीं अब नहीं आ रहे। चक्कर बिल्कुल बंद हो गए? बिल्कुल। अच्छा, जो सफेद पानी आता था वो भी ठीक है? अब ठीक है बिल्कुल। हाँ जी। और शुगर की क्या पोजीशन है? वो भी ठीक है बिल्कुल। शुगर ठीक चल रही है? बिल्कुल नॉर्मल आ गई ना? हाँ जी नॉर्मल। ताकत कितनी बड़ी अभी? आगे से काफी फर्क है। फर्क है ना जी? हाँ जी। चलो, बहुत वैदिक उपचार के बारे में आप क्या कहना चाहोगे आम लोगों को?
ये बहुत अच्छी दवाई, मुझे तो बहुत फर्क पड़ा इससे और काफी लोगों को खानी चाहिए। खानी चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, जरूर। और मैं नेल्स पे तेल भी लगाती हूँ, उसका भी फर्क है। फर्क है जो कहते भी वैदिक उपचार आर्थिक मानसिक और शारीरिक परेशानी को दूर करने में सहायक है। तो आर्थिक परेशानी कितनी दूर हुई आपकी? काफी, बहुत अच्छी। मतलब देखो धड़बड़ है ना आपका दवाई लेते लेते, घटा तो नहीं ना? ठीक है। कर्ज मार जाते हैं, देखो दवाई खाते नहीं, हमें तो बहुत फर्क पड़ा जी। फर्क पड़ा ना जी? हाँ जी, ओके, थैंक यू। अब देख लो दोस्तों, अब इनको डायबिटीज थी, एक ही बिन्ने में कितना फर्क पड़ गया। जो चक्कर आते थे क्योंकि कमजोरी आ गई थी, डायबिटीज में क्या होता है चक्कर ही आएंगे और क्या, जब कमजोर हो जाएगा तो आदमी, एक ही बिन्ने में चक्करों में आराम पड़ गया। ये कोई चमत्कार नहीं है दोस्तों, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती इतनी इफेक्टिव है, वो सबसे पहले ताकत देती हैं, जब ताकत आएगी तो चक्कर आना बंद हो जाएगा। और जो लेडीज की सबसे भयंकर बीमारी होती है सफ़ेद पानी यानी वाइट डिस्चार्ज जो होता है, उसमें क्या होता है कमज़ोर हो जाएगी लेडीज धीरे धीरे। अब वाइट डिस्चार्ज आएगा तो कमर में नीचे भी दर्द रहेगा और हालत बुरी होती चली जाएगी, सारी ताकत तो खत्म हुई हो जाती है ना वाइट डिस्चार्ज से, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर वाइट डिस्चार्ज होगा तो लेडीज कमज़ोर होती चली जाएगी अपने आप ही। और वाइट डिस्चार्ज का तो बहुत ही अच्छा इलाज है, हमारे यहाँ एक बार फ़ोन करके डॉक्टरों से बात करके जिनका भी वाइट डिस्चार्ज आता है वो एकदम इलाज कराए, तीन ही महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट आने लग जाते हैं, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज की बीमारी बहुत भयंकर बीमारी होती है। और जिन लेडीज़ों को वाइट डिस्चार्ज होता है या कमर में नीचे दर्द होता है, डेट के टाइम में दर्द होता है, तो एक तो क्या करें, जब भी डेट आए आपकी तो गर्म पानी से नहाएं, गर्म पानी पिएं, उन दिनों में कोई भी ठंडा पानी ना पिएं और ना ठंडे पानी से नहाएं, सिर्फ गर्म पानी से नहाएं, हो सके तो दो दिन ना भी नहाएं तो और भी अच्छा है। अगर नहाएं तो गर्म पानी से ही नहाएं, ठंडे से बिल्कुल भी ना नहाएं भूल के भी। जब दो तीन बार ये उपाय कर लोगे, जैसे अब डेट आई अगले महीने फिर अगले महीने, क्योंकि जो 28 दिन की साइकिल होती है, जब तीन बार ये साइकिल को अपना लेते हो, उसमें गर्म पानी पीते हो, गर्म ही भोजन करते हो एक तरह से, कोई भी ठंडा भोजन ना करें, और जितनी भी जो प्रिजर्व आइटम होती है उनका एकदम त्याग कर दें, जैसे चटनी वटनी खाते हो, जो सॉस वोस खाते हो वो भूल कर भी ना खाएं, मतलब जब डेट आती हो तब चार पाँच दिन तक बिल्कुल भी ना खाएं, दो तीन दिन पहले और दो तीन दिन बाद तक, तो अगली जो डेट आएगी उसमें आपको दर्द होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। क्योंकि कई लेडीज़ों को डेट के टाइम में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा इलाज है ये। और एक आप अमंडल की क्रिया करें, पूरा रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठे। अब बहुत से पेशेंटों का फ़ोन आने लग गया जी, अब हम 30-30 मिनट तक लगा लेते हैं, अब हमें दर्द ही नहीं होता, जो पहले एकदम मतलब बहुत बुरा दर्द होता था रीढ़ की हड्डी, वही आभा मंडल की अपनी क्रिया को करें, एक एक चक्कर को खोलने की कोशिश करें, सात चक्करों को, ये मैं बताता हूँ, सात बार करें, बहुत ज़बरदस्त, एक एक चक्कर पर ध्यान देते चले जाएं, जब आप आपके हाथ नीचे आए सांस भरते हुए धीरे 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 ऊपर जाएं, एक ही सांस में सहस्त्र चक्कर पर खोल दें, जब तक खोल ले रखें, जब तक आप सांस जब बाहर निकालने लगे एकदम हाथ ये आएंगे, फिर धीरे धीरे आज्ञा चक्कर, विशुद्ध चक्कर, हृदय चक्कर, और इन चक्रों पर अपने ध्यान देते हुए मूलाधार चक्कर तक फिर चले जाएं, फिर गायत्री मंत्र का अपने उच्चारण करें या जो भी आप मंत्र करते हैं उसका उच्चारण करें, फिर पूरा सांस भरते हुए यानी सात बार, क्योंकि आप मंडल जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा कई रोग अपने आप ही ठीक होने लग जाते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है ये। आप मंडल की क्रिया आपके कई रोगों को ठीक करने में आपकी मदद करती है दोस्तों। मैं कहता हूँ एक बार आप बस करने की कोशिश करें, आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा दोस्तों। हम घुमा फिरा के बात करते नहीं हैं। अब देखो ये लेडीज क्या कह रही थी, नेल्स में तेल लगाया, जो उपाय बता ही रही थी, जो हम कुत्ते को दूध पिलाते हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा आर्थिक परेशानी थी, आज ये काम बन गया फिर बिगड़ गया, अब काम बने और बिगड़ गया, काम बने और बिगड़ गया, कभी आज यहाँ धक्के खा रहे हो, कल फिर वहाँ धक्के खा रहे हो, परसों वहाँ धक्के खा रहे हो, उनको मैं बताना चाहता हूँ कुत्ते को दूध पिलाएं, क्योंकि राहु और केतु का उपाय है, बहुत ज़बरदस्त उपाय है दोस्तों। जैसे जैसे आप कुत्ते को दूध पिलाओगे आपका सोमरस बढ़ने लगेगा, क्योंकि कुत्ता जब जैसे जैसे आपको सूंघने लगेगा तो आपका सोमरस बढ़ेगा, जैसे जैसे सोमरस बढ़ेगा आप तरक्की करने लग जाओगे, पैसे की कमी नहीं रहेगी, जो आपकी बात नहीं सुनता सुनने लग जाएगा, और जो नफरत है, जो आदमी आपसे नफरत करता है देखो कैसे प्यार करने लग जाता है।
ये बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट डालेगा दोस्तों, बस एक बार करने की ज़रूरत है। आज का प्रोग्राम यहीं तक, आप हमारे साथ जुड़े रहे और ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कम से कम एक आदमी को तो शेयर कर ही दें और उसको भी सब्सक्राइब करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।